उठ लिया, उठ बोल पर बोल ली रोना नहीं। हाँ शेड़ी साहब, आपने बुलाया? मजनू क्या कर रहे हो तुम? किसी को भी फोन करते हो, कुछ भी मांगते हो? घुंगरू जी मेरे जी, जी मत कहिए मुझे प्लीज। अरे ऐसे कैसे, आजकल बिस्किट को भी पार्ले जी कहते हैं। आप तो डॉक्टर है, इतना नेक काम करते हैं। मैं गरीबों का इलाज मुफ्त में करता हूँ सर, इसलिए मेरा हॉस्पिटल घाटे में जाता है। देखो ऐसे डॉक्टर है और तू है जो क्या है? शेठ साहब मेरे को मालूम नहीं था कि आपके पहचान का आदमी। पहचान के दोस्त है मेरे। फिर तो ये हमारे माए बाप हुए। मिस्टेक हो गया क्या? हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। तेरा काम हो गया तुझे। सर मैं जरा एक दो थप्पड़ मार दूं उसे, मेरा दिल कर। सर आपका ऐसा मैं जिंदगी भर नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है सर, आप फरिश्ता है सर, शराब पर खत्म नहीं हूँ इस दुनिया में। मैं कुछ नहीं हूँ आप, लेकिन ऐसे ही समझते हो तो मेरा एक काम करो। हुकुम हुकुम। मेरी एक छोटी सी बहन है, खूबसूरत है, शादी के लायक। अब समझा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, इतना रुतबा है, इस शहर में जिस घर पर हाथ रखूं रिश्ते के लिए कोई ना नहीं कहेगा। बस एक लड़का चाहिए जो शरीफ हो, नेक हो, अच्छे खानदान का हो, जो मेरी बहन को जिंदगी भर। साहब ये तो ऐसी बात हो गई कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। मेरा अपना भांजा है, नेक है, शरीफ है, अच्छे खानदान का है। वाह। हाँ ये बात है कि हैसियत में आपके बराबर के नहीं है, लेकिन इज्जतदार है। पंडित जी मुहूर्त भोरत बाद में सोचेंगे, पहले इनकी मर्जी तो मैं जाने। नहीं नहीं मेरी तो हाँ है। आपके हाँ? हाँ, मेरी तो मेरी भी हाँ है। देखिए जुबान दी है, मुकरने नहीं दूंगा। इज्जतदार आदमी हूँ शेट्टी साहब, एक बार जबान दी मतलब।